मतलब के केंद्रीय स्थान सिद्धांत के बारे में। ये केंद्रीय स्थान से मतलब है, ये इकोनॉमिक्स में भी आता है, हर कंपटीशन में आते हैं, जिसमें जो चीज इम्पोर्टेंट है वो मैं आज बताना चाहती हूँ। क्रिस्लर का जो सिद्धांत है उन्होंने 1933 में अपना यह सिद्धांत दिया था, किसमें, सेंट्रल प्लेस इन साउथर्न जर्मनी। साउथर्न जर्मनी जो बुक थी उनकी, उस बुक में उन्होंने अपना ये सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इस सिद्धांत को देने से पहले उन्होंने कुछ मान्यताएं रखी, जैसे कि हर सिद्धांत में एक बेस बनाया जाता है, एक आधार लिया जाता है, उसमें मान्यता रखी जाती है। उसमें उन्होंने पहला कहा था एक समान धरातल, यानी अगर हम किसी चीज को स्पष्ट करना चाहते हैं, इसमें जैसे नाम है केंद्रीय स्थान सिद्धांत, किसी चीज की सेंट्रल में क्या कंडीशन है उस समझाने के लिए कि केंद्र में किस तरह की कंडीशन है। नगरों के विकास से संबंधित यह सिद्धांत है। किससे संबंधित है? नगरों के विकास से, कि नगरों का विकास किस तरह से होता है, किस तरह से नगर विकसित होते हैं, धीरे धीरे उनमें डेवलपमेंट होता है, उसके बारे में। तो उसमें सबसे जरूरी क्या होता है, एक समान धरातल होना चाहिए, यानी उसमें अवरुद्ध चीजें जैसे कि पर्वत, पठार, मरुस्थल, ऐसी कंडीशन ना हो जो उनके विकास में बाधा उत्पन्न करे। तो सबसे जरूरी चीज ये होती है। दूसरी, जनसंख्या का समान वितरण, जो जनसंख्या है वो समान रूप में वितरित होनी चाहिए। जैसे क्रिस्लर ने कहा है कि हमारा जो सिद्धांत है वो 3.5 किलोमीटर की परिधि में, यहाँ समझाती हूँ मैं, 3.5 किलोमीटर के हिसाब से उन्होंने अपना यह सिद्धांत दिया था कि हमारा ये जो है लगभग दूरी सभी की कितनी होनी चाहिए, 3.5 किलोमीटर, और हर एक जगह पर जनसंख्या भी समान रूप में होनी चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ पर जनसंख्या कम है, यहाँ अधिक है, तो जितनी जनसंख्या में अंतर होगा सेवाएं देने के क्रम में भी उतना ही अंतर बढ़ता जाता है। इसीलिए जनसंख्या का समान वितरण होगा तो सेवा केंद्र भी उसी क्रम में विकसित होंगे। सेवा केंद्र से मतलब है यहाँ पर जो दुकानें आवश्यक आवश्यकताओं को पूरी करती हैं उससे संबंधित है। तीसरा आता है हमारा जनसंख्या केंद्रों का त्रिभुजाकार वितरण। उन्होंने ये कहा है कि जनसंख्या का जो वितरण है वो त्रिभुजाकार आकृति में होना चाहिए। अगर देखो ये त्रिभुजाकार आकृति है, अगर मैं इसको ब्लैक से बनाऊं तो ये हमारा क्या दिखाता है, त्रिभुज को दिखाता है। तो जनसंख्या का आकार जो किस तरह से होना चाहिए, नगर से जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं त्रिभुजाकार आकृति में होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्रत्येक कार्य के लिए बाजार सीमा, यानी उन्होंने ये कहा है कि हर एक कार्य के लिए एक सीमा निश्चित होती है। अगर हम किसी चीज को खरीदते हैं तो उसकी एक सीमा होती है कि हम कितने किलोमीटर तक की दूरी को तय करना चाहते हैं। अगर हम ये बात करें कि सीमाओं की, कि आवश्यक आवश्यकताओं के लिए हम कम दूरी तय करते हैं, जबकि अति उच्च आवश्यकताओं के लिए हम अधिक दूरी भी तय कर सकते हैं, तो इसमें बाजार सीमा में आएगा हमारा कम आवश्यक आवश्यकताएं सीमित दूरी और जो है आवश्यक अतिरिक्त जो हाई लेवल की आवश्यकता है उनके लिए हम दूरी अधिक भी तय कर सकते हैं। किसी कार्य के लिए न्यूनतम सीमा, हर एक कार्य की न्यूनतम सीमा होती है कि हमारी कैसी आवश्यकता है, उसी आधार पर हमारी सीमाओं का निर्धारण होता है कि हमारी आवश्यकता ऐसी होती है कुछ देर के लिए होती है, अगर वो आवश्यकता उसी पूरी हो जाती है तो वो उसके लिए वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा जनसंख्या का निश्चित स्थानीय व्यवहार, यानी जनसंख्या जो मानव है वो अपने एक स्थानीय व्यवहार रखती है, उसका व्यवहार में चेंज नहीं होना चाहिए कि जैसी हमारी आवश्यकता हो उतनी ही दूरी हम तय करें। नेक्स्ट है प्रत्येक केंद्र में वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य समान, कि सबसे जरूरी चीज है कि अगर वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य सभी जगह समान होगा तो ही ये सिद्धांत काम करेगा। और अगर रेट में अंतर होगा, यानी यहाँ पर हमें चीज महंगी मिल रही है या सस्ती मिल रही है, यहाँ महंगी मिल रही है, तो व्यक्ति यहाँ तक आना ही चाहेगा, और अगर रेट में अंतर नहीं है तो व्यक्ति यहीं से ही अपना सामान खरीद लेगा। तो
वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य समान होने चाहिए, मूल्य में अंतर हर एक सेवा केंद्र में नहीं होना चाहिए। ये इनकी कुछ मान्यता है जिसके आधार पर उन्होंने अपना वर्गीकरण दिया है। अब क्रिस्लर ने जो अपना सिद्धांत दिया उसमें कुछ विचारों को रखा, जिसमें पहला था हमारा, उन्होंने अपने सिद्धांत को पास में सबसे पहली बात रखी कि अगर केंद्र की जो परिधि है वो अगर वृत्ताकार होगी तो क्या कंडीशन होगी, कि कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जो असेवित होंगे। अब ये क्षेत्र असेवित माने जाएंगे, क्यों होंगे असेवित, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसे हैं इनको जैसे 3.5 किलोमीटर की दूरी का एवरेज बताया था, तो ये 3.5 किलोमीटर से अधिक की दूरी उनको तय करनी पड़ रही है। तो ये क्षेत्र ऐसे होंगे इनका विकास कैसा होगा, न्यूनतम होगा, इसे बोलते हैं असेवित क्षेत्र। ठीक है, यानी अगर वृत्तों का आकार अलग अलग होगा तो ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर असेवित क्षेत्र होंगे, और अगर वृत्त एक दूसरे की परिधि में घुसे होंगे तो ऐसे क्षेत्र विकसित होंगे जो बहुत अधिक सेवित होंगे। बहुत अधिक सेवित के मतलब है, अब ये जो परिधि क्षेत्र है ये कैसा है, अति सेवित। यहाँ अति सेवित से मतलब है कि यहाँ पर इन क्षेत्रों पर सेवा देने वाले क्षेत्रों को अधिक संपर्क में रहेंगे, ये अधिक जनसंख्या को सेवा प्रदान करेंगे, इसीलिए यह सेवा अधिक देने वाले क्षेत्र, अधिक विकसित क्षेत्र ये हो जाएंगे, जबकि कम विकसित क्षेत्र ये कहलाएंगे। तो इस कंडीशन में जब विकास के अंतर आ जाएगा तो इसे बोलेंगे हम अतिसेवित क्षेत्र। अब इस समस्या को दूर करने के लिए कि असेवित और अतिसेवित क्षेत्रों की समस्या से दूर बचने के लिए उन्होंने अपने सिद्धांत में षटकोणीय स्थिति को सम्मिलित किया। षटकोणीय स्थिति में यानी कि इसकी 6 सीमाएं होती हैं, इस सीमा के आधार पर उन्होंने अपने विकास को दिखाया कि नगरों का विकास कैसा होना चाहिए इस कंडीशन में, षटकोणीय यानी होमोकैपिंग जो होती है षटकोण स्थिति उसमें होना चाहिए। अब इस सिद्धांत की कुछ मान्यताएं, इसमें पहला है हमारा बाजार सिद्धांत, दूसरा है परिवहन सिद्धांत, और तीसरा है हमारा प्रशासनिक सिद्धांत। ये बाजार सिद्धांत का मतलब उन्होंने सूत्र दिया है K3 से। K3 का मतलब है कि हमारे किसी भी सिद्धांत बाजार सिद्धांत में कि हम हर एक क्षेत्र का एक तिहाई हिस्सा जो है एक स्थान से ही सेवाएं प्राप्त करता है। इस कंडीशन में 1/3 क्षेत्र यानी कि 6 सेवा केंद्र है और 1/3 इसका क्षेत्र ऐसा है जो सेवाएं प्राप्त कर रहा है। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 3 × 6 = 2+1=3, यानी 3K3 जो सूत्र आएगा इसमें इसका मतलब है कि बाजार क्षेत्र में एक तिहाई हिस्सा ऐसा होता है जो एक ही जगह सेवाएं प्राप्त करता है। जैसे कि ये देखो, ये क्षेत्र ऐसा है जो एक ही जगह से सेवाएं प्राप्त कर सकता है। जबकि दूसरा आता है हमारा परिवहन सिद्धांत। परिवहन सिद्धांत को हम K4 से आइडेंटिफाई करते हैं। इसका मतलब परिवहन सुविधाओं का विकास होने पर इंसान अधिक दूरी, मानव अधिक दूरी तय कर सकता है। इस आधार पर उसका आधा 1/2 का सूत्र चलता है और आधी जनसंख्या ऐसी होती है जो इस में निवास करती है। तो 6/2 3+1=4। इसका मतलब कि हमारे परिवहन सिद्धांत के समय पे K4 रूल काम करेगा, क्योंकि आधे से जो क्षेत्र परिवहन सुविधाओं का विकास होने पर जो आधा क्षेत्र है वो अपनी सेवाओं के लिए सेंट्रल यानी कि मुख्य सेवा केंद्र की ओर आ सकता है। जबकि प्रशासनिक सिद्धांत में आता है K7। K7 का मतलब है कि हमारा जो 6 सेवा केंद्र है इनको पूरा एक ही क्षेत्र कवर करता है, यानी कि 1/1 यानी प्रशासनिक सुविधाएं जितनी भी होती हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे पुलिस स्टेशन हो, चाहे जितनी भी जो पंचायत हो, जो मुख्य पंचायत क्षेत्र होते हैं वो सब क्या होते हैं, एक ही होते हैं। यानी 6 क्षेत्रों को एक ही सेवा प्रदान की जाती है। तो वही रूल आएगा इसमें 1/6 × 6+1, तो 6 1/6 तो ये 1 हो गया, इसका मतलब
6+1=7, यानी एक ही क्षेत्र को सेवा प्रदान करने के कारण इसको जो है कहा जाता है K7। ठीक है, तो इस K7 के द्वारा इन्होंने प्रशासनिक सुविधाओं के बारे में बताया है कि प्रत्येक क्षेत्र में एक सेवा केंद्र होता है और 6, इसको अगर हम सिंपल भी कहें तो इस तरह से कह सकते हैं, एक सेवा 6 सेवा केंद्र प्लस एक मुख्य केंद्र बराबर 7, यानी K7 द्वारा हम प्रशासनिक सुविधाओं के बारे में बात करते हैं कि पूरे एक क्षेत्र में एक ही प्रशासनिक सुविधाएं होती हैं। ये है इनका केंद्रीय स्तर सिद्धांत, जिसमें उन्होंने जो है मुख्य रूप से सेवा केंद्रों के विकास के बारे में बताया है। और नगरों की अगर हम बात करें तो उन्होंने बाजार, इनको नगरों को जो बांटा है इसमें पहला आता है हमारा बाजार पूर्वा, नगरों का अगर विभाजन हम बात करते हैं इसमें नंबर एक आता है बाजार पूर्वा क्षेत्र ऐसा होता है सबसे छोटा क्षेत्र माना जाता है। दूसरा आता है नगरीय केंद्र, तीसरा आता है काउंटी नगर, और चौथा आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट सिटी। पांचवा हमारा होता है लघु राज्य राजधानी। छठा हमारा आता है मुख्य प्रांतीय प्रधान, मुख्य या प्रांतीय प्रधान नगर, और सातवां आता है हमारा प्रशासनिक। ठीक है, अब इन नगरों के आधार पर अब मुख्य रूप से जो क्रिस्टलर इन्होंने 7 क्षेत्रों में बांटा है। ठीक है, अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है ये बताती हूँ, नेट में आता रहता है। पहला, किस बुक के आधार पर उन्होंने अपना वर्गीकरण दिया है, सेंट्रल प्लेस इन साउथर्न जर्मनी। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं उन्होंने अपना सर्वे कहाँ किया था, तो साउथर्न जर्मनी में उन्होंने अपना सर्वे किया था, दक्षिण जर्मनी जो सर्वे है उसके आधार पर उन्होंने वर्गण किया है। दूसरा, ये K3, K4 और K7 तीनों ही इम्पोर्टेंट है, पूछते रहते हैं K3 कैसे आता है, ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और नेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है, वो उसमें क्या पूछते हैं कि ये K3 के साथ में कौन कौन से रूल काम करते हैं। तो इसमें तुम्हें क्या याद रखना है कि 3 के मल्टीप्लाई में जो भी आ रही है डिजिट, यानी हमारा 1 हो गया, 1 में 3, 3, 6, 18, 24, ठीक है, इस तरह से जो डिजिट 3 से मल्टीप्लाई हो जाती है वो सारी डिजिट इसमें आती हैं। तो कभी कभी डिजिट डाल देते हैं और पूछते हैं ये किस चीज को है, कभी तो ये दे देंगे कि K3 में कौन सी डिजिट काम करती है, K4 में कौन सी करती है, उसके बारे में अलग अलग पूछ लेते हैं। K4 में रूल क्या चलेगा कि जो 4th डिजिट से काम करेगा, यानी 4, 8, 64, ठीक है, इस सीक्वेंस में जो भी डिजिट होगी जो 4 से हमारी डिवाइड होती हो वो डिजिट इसमें आ जाती है। ये नेट में बहुत क्वेश्चन आते हैं और ध्यान रखना, 3 से डिवाइड करने वाले को हम K3 में शामिल करेंगे, 4 से डिवाइड होने वाले को हम K4 में शामिल करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा क्रिस्टलर का केंद्रीय स्थान सिद्धांत।